आज की इस वीडियो में आप देखेंगे क्या वाकई ईरान में नाइट क्लब्स वगैरह हैं या नहीं, और कोशिश करूंगा कि मैं किसी लोकल से पूछूं। ये चीज यहाँ पे आम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कंसेप्ट बहुत आम है। जी ए भुट्टो जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं इस्तेमाल मौजूद हूँ जी इस्फहान में, और इस्फहान का ये शॉपिंग मॉल है। जरा सीन चेक कीजिए, कितना खूबसूरत है ये। ये चेक करो, बहुत सा ब्यूटीफुल सीन है यार। खैर फाइनली मैं शॉपिंग मॉल से तो बाहर आ गया। सामने टर्मिनल है, मेट्रो टर्मिनल, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और फिर सीधा अपने रूम की तरफ। आपको ना वैसे मुझे लग रहा है, अच्छा जैसे हमारे यहाँ नहीं सुबह सुबह लोग निकलते कपड़े पहन पहन के नहा धो के तसल्ली के साथ, यहाँ पे ईरानी शाम को ही निकलते हैं नहा धो के तसल्ली के साथ। ना भाई साहब सारा दिन सोए रहते हैं, यहाँ काम काज करते हैं और शाम को आउटिंग के लिए निकलते हैं, शॉपिंग वगैरह के लिए भी शाम को ही निकलते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी सेम सीन है भाई। वो गाँव या वो तो चलो खैर चलता है, लेकिन शहरों में अभी भी ऐसे ही होता है कि लोग रात को ही निकलते हैं। एक बात है यहाँ पे खूबसूरती है, एम एस फान को निस्फे जान नहीं कहा गया, वाकई खूबसूरती है यहाँ। आप सीन चेक करें ना, वो दो सड़कें हैं वहाँ पे गुजर रही हैं ना, सड़कों के दौरान दरमियान उन्होंने फुहारे लगा रखे हैं। चेक करें भाई साहब, अभी VPN कनेक्ट हुआ है ना तो मेरा YouTube चल पड़ा, और मैंने YouTube देखा ना तो एक भाई साहब का सबसे पहला कमेंट था कि क्या ईरान में नाइट क्लब हैं या नहीं। तो खैर उनका माइंड होगा मैं कौन सा उनकी आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ। तो खैर मैं कोशिश करूँगा कि तफसील के साथ आपको ना ये सवाल समझा दूँ। मेरे ख्याल में आप ईरान की हिस्ट्री से वाकफ होंगे, शायद अगर आपको पता हो कि 1979 में ईरान में इनकलाब आया। इनकलाब से पहले के जो हालात थे ना, अगर आप गूगल पे जाके सर्च भी करें ना कि ईरान बिफोर 1979, तो आपको ऐसी ऐसी पिक्चरें मिलेंगी, आप देख के हैरान हो जाएंगे, आपकी अकल तंग रह जाएगी कि आया ये ईरान। और अगर हम इस बारे में ईरानियों से इंक्वायर भी करें तो वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि वाकई इनकलाब से पहले ऐसे ही हालात थे। लोग बड़े सेकुलर नजरिए के थे, उनका जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था रजा पहलवी, वो भी एक सेकुलर नजरिए का हमें था। उसकी जो वो वाइफ थी वो खुद बड़े पहनेवे करती। इनकलाब आया नहीं, इनकलाब लाया गया था, डेफिनेटली लाया गया था ना, लोगों में जोश भरा गया। आयतुल्लाह खुमैनी साहब बाहर से किस्तें ला के देते थे, यहाँ भी उनके वर्कर थे, वो बाकायदा आप पूरी हिस्ट्री सुन लीजिएगा इनकी। जो दो नजरिए के हामी लोग थे, एक वो नजरिया रखने वाले जो मजहबी लोग थे, और दूसरा वो नजरिया रखने वाले जो सेकुलर कौम थी, वो दोनों ही इनकलाब की जद में आ गए। अब जो मजहबी थे उन्होंने तो इनकलाब लेके आए वो, अब जो सेकुलर थे उन पे इनकलाब डाल दिया गया। जब इनकलाब आया तो दो साल तक, दो से चार साल तक इनकी यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई। पहले लड़कियां लड़के इकट्ठे पढ़ते थे, फिर उनको सेपरेट कर दिया गया। पहले तो यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई, फिर चार साल बाद उन्होंने थोड़ा हाथ थोड़ा रखा और यूनिवर्सिटियां खोल दी। यूनिवर्सिटियां खोलने के बाद उनको अलग-अलग कर दिया, फिर उन पे बाकायदा हिजाब था, ये वो औरतों पे अब पहले पाबंदी लगा दी गई कि बाहर नहीं निकल सकती, इश्तियारात में इनकी तस्वीरें नहीं आ सकती, ये वो। एक फोर्स बना दी गई जो इनके इनकलाब को कायम रखे। खैर अभी भाई साहब ये लाइन में लगे हैं नान लेने के लिए, तो मैंने इनको बोला कि आपने लाइन नहीं तोड़नी, ये ईरान है, यहाँ पे लाइन नहीं तोड़। इनकलाब के बाद फिर सारा काम जो है ना वो यो समझे आप सिमट गया ना, कंट्रोल में आ गया। एक एक हरकत इनके कंट्रोल के मुताबिक हुई। दो से तीन मरतबा ऐसे वाकयात हुए जब आवाम सड़कों पे आई लेकिन दबा दिया। उससे पहले जो है ना सिनेमे वगैरह चला करते थे, सारा कुछ चला करता था, लेकिन फिर बाद में इनकलाब के बाद सिनेमे बंद कर दिए गए। अभी सिनेमे वगैरह हैं वो भी चल रहे हैं, और जो सेकुलर नज़रिए के लोग हैं अभी वो भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या तो वो महदूद हो चुकी हैं या वो अपनी एक्टिविटी छुप कर परफॉर्म करते हैं। अभी आ जाते हैं नाइट क्लब की तरफ। तो यहाँ पे शादियों पे तो डांस होता है, प्राइवेट पार्टीज़ भी होती हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं ना उनसे पूछा था इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्राइवेट पार्टीज़ भी होती हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे कपल्स डांस करते हैं। ये नहीं होता कि लड़कियाँ बुलाई जाएं। ये चीज़ यहाँ पे आम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कंसेप्ट बहुत आम है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लिबास है, हिजाब वगैरह है, नो इशू। अच्छा अभी सीन आ जाते हैं नाइट क्लब की तरफ। तो यहाँ पे ओपनली ऐसा कोई नाइट क्लब नहीं है कि आप जहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे आप शराब वगैरह पिए, ये वो ऐसा सीन करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई अल्कोहल वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती है, बल्कि अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करें और आप पकड़े जाएँ तो उसकी संगीन से संगीन सज़ा आपको दी जाएगी, क्योंकि आप फॉरनर होंगे और उनकी रेड लिस्ट पर होंगे। और दूसरी बात है कि आपको मीडिया बहुत उठाएगा, तो फिर तब तक वो बात थमेगी नहीं जब तक आपको जामा मस्जिद के सामने लटका ना दिया जाए। यहाँ तक कि मैं वाजे तौर पे बता देता हूँ, टॉपिक छेड़ दिया तो फिर बात छुपानी क्या। अगर आप यहाँ पे लड़की को छेड़ने की कोशिश करते हैं
और वो लड़की उस कोशिश के बाद आपके अगेंस्ट जाके कंप्लेन कर देती है, तो आप पे कोई रहम नहीं किया जाएगा। तरीकाकार क्या है, आपको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, शायद बुलाए जाएंगे, 2 से 4 लोग होंगे जो आपके खिलाफ गवाही देंगे, तो उस लड़की से पूछा जाएगा कि वो इस बदले में मुआवजा चाहती है या उसको सजा चाहती है। अगर वो मुआवजा पे आ जाए तो वो जो आपसे मांगेगी आप देने के हकदार होंगे और वक्ती देने के हकदार होंगे, यानी कि दा दिन जेल च पैरो बाद च वेखी जैसी, ऐसा नहीं होगा, आपको देना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो माफ नहीं करती है तो फिर जो कानून के मुताबिक जो काजी आपको सजा देगा वो आपको भुगतनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ करने की ईरान में कोशिश ना कीजिएगा, मैं तो बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा और ना ही हम ऐसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम बिल्कुल ऐसा करने के लिए नहीं आए। अगर ऐसा कुछ करना है ना तो वहाँ पे गंद मारो जो अपना मुल्क है, यहाँ पे अगर आप आके गंद मारोगे ना तो यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा कि ओ फलाने ने गंद मारे, हर कोई कहेगा पाकिस्तानी ने गंद मारा। तो बेहतर है कि ऐसा कुछ अगर आप करें भी ना तो आप अपने घर में करें, यहाँ पे ऐसा कुछ आके ना करें। घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप किसी को परेशान ना करें, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, कमेंट देखा था इसलिए मैंने सोचा कि तफसील के साथ इस पर बात कर देता हूँ, फिर कभी मौका मिले ना मिले। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, जब भी आप नान वाई के पास नान लेने आए ना, ये वाली कतार नहीं तोड़नी। अगर तो आप एक नान ले रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं तो आपको लाइन में लगना होगा, यानी खत में लगना होगा, उसके अलावा नहीं। और दूसरी मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे शापर लेने के लिए भी आपको लहरा काट देने पड़े। थैंक यू, खैली ममनून ममनून मर्स। मुझे लगता है कि जब मैं हिस्ट्री वगैरह छेड़ू ना तो मेरी ऑडियंस बोर हो जाती है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस कैसे आई है और मुझे संभालना भी आता है इन लोगों को ना। अभी भाई साहब अंडे लेने, अल्हम्दुलिल्लाह आपको उर्दू आती है, आप सुनाओ आप कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अफगानी हो? अच्छा अच्छा, इसलिए उर्दू। कभी पाकिस्तान गए हो? हाँ पाकिस्तान बहुत टाइम पाकिस्तान लाहौर से करीब। हम हरिपुर में था, हरिपुर में गया था, हरिपुर बड़े जा मैंने पठान से। फाइनली हमें 18 तुमन का जो है ना ये 6 अंडे मिल गए, 3 और 3 6 अंडे 18 तुमान में मिल गए, और उसके साथ जो है ना रोटियां भी हमने ले ली हैं। अच्छा एक और सीन बताऊं, यहाँ पे अंडे तोल के मिलते हैं, केले भी तोल के मिलते हैं, यहाँ पे वो दर्जन में नहीं मिलते। बातें सच्ची हो रही हैं। हाँ। बिलावल भुट्टो की बातें सच्ची हो रही है, यहाँ पे अंडे भी तोल के दे रहे हैं और केले भी तोल के दे रहे हैं। भाई साहब बिलावल यहाँ पे होके गए ना, इसलिए आप बिलावल का मजाक ना उड़ाया करो यार, शेख रशीद को तकलीफ होती है। जी भुट्टो जिंदाबाद, जी भुट्टो जिंदाबाद। ईरान गुजरने के लिए उस बंदे ने पूरी ट्रैफिक रोक दी थी, वो सामने ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। प्रोटोकॉल है भाई, प्रोटोकॉल, इज्जत मिलती है यहाँ पे वाकई। नहीं पाकिस्तान ने चूंकि घाट कोई नहीं, ऐसी गल नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस था यार, कि जब मैं इराकियों के सामने ना सद्दाम हुसैन की बात कर रहा था ना, तो वो बात करने से डर रहे थे, अच्छा बोल रहे थे लेकिन ना डर रहे थे। इन इराकियों ने तो मार दिए उसको यार, वरना उस जैसा बहादुर लीडर हर कौम को नहीं मिलता यार। खैर भाई साहब अभी एक ये शॉपिंग सेंटर में आए हो, कोल्ड ड्रिंक लेके जाएंगे। चंद अभी मैंने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली और मुझे करेंसी का नहीं पता था कि मैंने इसको कितने देने, लेकिन वो खैर काफ़ी अच्छी थी, उसको खुद ही पता है, उसने नोट उठा ली। खैर अभी नोट ही माशाल्लाह, कैन यू चेंज इट, इट्स अ चेंज, नो ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। तो खैर बोतल वगैरह ले लिए भाई साहब यहाँ से, खैर एक बोतल मैंने ले ली 18 तुमान की मिली है यहाँ से, बाकी सारी चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इसका ये बेनिफिट है कि हमारे जो रूम है ना हमारा, उसके बिल्कुल साथ है ये वाला। अच्छा ईरान में ना भाई साहब पहले से थोड़ी सी महंगाई हो गई है, ये बोतल
12 से 14 तूफान की मिल जाती थी एवरेज, अभी 18 तूफान की हो गई है, तो मानना पड़ेगा कि थोड़ी सी महंगाई है। इतनी ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की अगर हो भी गई तो कौन सा कुछ हो रहा है, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अगर टूरिज़्म के लिए निकले हो ना तो ये मत सोचो कि वहाँ कितनी महंगाई है, हाँ कमाने के लिए जा रहे हो तो फिर तो डिपेंड करता है ना। जब घर से निकल पड़े हो ना भाई तो फिर एक एक चीज़ की क्या परवाह कर। खैर ये ना कि इनके शॉपिंग सेंटर और शॉप्स में भी थोड़ा अजीब सा सीन होता है। मुझे ज़्यादातर ये चीज़ टैक्सियों में देखने को आई है कि फॉरनर समन के प्राइस हाई कर दें, लेकिन शॉप्स वाले इनके तकरीबन सेम ही हैं। ऐसा नहीं करते कि अगर आप फॉरनर हैं तो वो प्राइस थोड़ी हाई कर दें या इस तरह का सीन कर दें, बहुत कम होता है, शायद ना होने के बराबर। अच्छा एक सीन अजीब, आप ये चेक करें, गवर्नमेंट ने ये बना रखे हैं, ये टोटल आपको आगे तक मिल जाएंगे, यहाँ तक भी। तो मैं एक बात सोच रहा था कि अगर इस घर में गाड़ी रखनी हो अपने घर में तो ये आगे लेके कैसे आएगा। अब इन वालों ने तो ये चलो एक तोड़ दिया है, बाकी क्या करते होंगे अगर गाड़ी रखते होंगे, कितनी मुश्किल होती होगी उन्हें, क्योंकि सामने तो जगह नहीं है, आगे ये स्टॉप है। तो अजीब सीन ही है ना यार ये वाला। खैर फाइनली हम रूम में आ गए और चीज़ें वगैरह सारी ले आए, बस अब कुकिंग करना रह गई। आप एक काम कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि और भी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे। अभी सिंगापुर और थाईलैंड का भी प्लान है। चले खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।